Allô? Allô? Mahindra, call again. आपके माध्यम से माननीय कृषि एवं किसान मंत्री को मैं अवगत करना चाहता हूँ। मोहन भाई, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय प्लीज हैव योर सीट मंत्री, दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट, प्लीज हैव योर सीट। ये ध्यान सिंचाई और बंद की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। राजकोट और बोटी जिला से पूरे गुजरात में नई सिंचाई और बंद के स्वरूप में खेती के लिए जल आपूर्ति करने जाती है। जल की आपूर्ति प्रधानमंत्री सिंचाई योजना अंतर्गत लिफ्ट इरिगेशन में कन्वर्ट किया जाए तो ज्यादा से ज्यादा भूमि सिंचित हो सकती है, इसलिए उपयोग में लाया जा सकता है और किसानों की आय में बढ़ोतरी एवं फसल का उत्पादन में मददगार साबित हो सकता है। आप में आपके द्वारा किसान हित नई सिंचाई लिफ्ट इरिगेशन में जल्दी से जल्दी परिवर्तन करने के लिए प्लीज टेक योर सीट। माननीय मंत्री और किसान कल्याण मंत्री को आपके माध्यम से मैं अवगत कराना चाहता हूं। थैंक यू। श्री मोहन मंडवी जी। अध्यक्ष महोदय, कांकेर जिला के प्रत्येक विकास खंड में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इग्नाइट अंग्रेजी माध्यम के प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। इन विद्यालयों में यदि कांकेर जिले के विभिन्न विकास खंडों के दर्ज आंकड़े प्रस्तुत करें तो 1685 है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ राज्य के प्रत्येक जिले के विकास खंडों की प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय संचालित विद्यालयों के अध्ययनरत बच्चों की लगभग दर्ज संख्या 65,000 है, लेकिन 4 वर्ष पहले खुले अंग्रेजी माध्यम के इस स्कूलों के लिए न विद्यालय भवन है, न ही जगह है, न ही शिक्षक और न ही अधोसंरचना विकास हेतु छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कोई पहल की जा रही है। वर्तमान में यह अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय का कोई सुध लेने वाला नहीं है। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय खोले जाने पर सभी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है, लेकिन उक्त स्कूलों में प्रति शासन प्रशासन उन गरीब बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अतः सदन के माध्यम से अनुरोध करता हूं कि पूरे राज्य के विकास खंडों में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इग्नाइट अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों की शिक्षा भवन एवं शौचालय तथा आवश्यक अधोसंरचना का विकास किया जाए, जिससे गरीब बच्चों का अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा प्राप्त हो सके। धन्यवाद। थैंक यू। श्री रोडमल नागर जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मेरे राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र मध्य प्रदेश में भारत सरकार द्वारा रेलवे की महत्वाकांक्षी परियोजना रामगंज मंडी भोपाल, जो 2013 में रामगंज मंडी से झालावाड़ तक लाकर बंद कर दी गई थी, जिसे 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से प्रारंभ कर फास्ट ट्रैक में शामिल किया गया है। विभागीय उदासीनता के कारण रामगंज मंडी भोपाल परियोजना का कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है। मैं माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि कृपया इसे गति प्रदान कर शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करवाने की कृपा करें। धन्यवाद। थैंक यू। श्री नारायण भाई कचड़िया जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाईवे NH 351 महुआ सावरकुंडला अमरेली वड़िया जैतपुर, जो कि 2015 में प्रधानमंत्री जी के द्वारा घोषित की गई थी, इसका काम बहुत धीमी गति से चल रहा है। उसका अलाइनमेंट फरवरी 2019 में फाइनल हुआ, जिसका NHAI के अनुसार ट्रैफिक कम होने की वजह से 4 लेन में तब्दील करने के लिए रिजेक्ट कर दिया गया था। उसके बाद मैंने अधीक्षक इंजीनियर के साथ मीटिंग की और उनकी समस्या बताई। उनकी ओर से 9, 10 और 11 नवंबर 2021 को वापस ट्रैफिक सर्वे किया गया,
जिसमें अमरेली और सावरकुंडला के बीच 1200 पीसीओ के ज्यादा ट्रैफिक आया था। सर्वे के अनुसार ट्रैफिक फॉरलेन का मालूम पड़ा है। इसके पहले जो ट्रैफिक सर्वे कराया गया था तो लॉकडाउन की वजह से ट्रैफिक कम आया था, इसीलिए उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। परंतु ये फरवरी और मार्च के 2021 में अगर ये रिपोर्ट देखी जाए तो फॉरलेन का ट्रैफिक मिला हुआ है। तो दूसरा ये कि अभी हाल ही में जो रोड है वो 10 मीटर की है और अभी से जो वार्षिक योजना की घोषणा हुई इसमें भी ये रोड 10 मीटर का बन रहा है। तो महोदय मैं आपको ये रोड पूरे जिले के लिए मात्र एक ही रोड है तो गुजरात पिपाव पोर्ट का जोड़ते हो ये कई उद्योग है, GIDC भी है। अंत में मैं आपसे माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि इस रोड को नए रूप से 45 मीटर का जमीन अधिग्रहण किया और फोरलाइन बनाया जाए, क्योंकि ये अमरेली जिले की मेरे क्षेत्र के मात्र एक ही नेशनल हाईवे है, इसका ट्रैफिक भी ज़्यादा है। अभी जो घोषणा हुई है इसमें सिर्फ पैसा खर्च होगा, ट्रैफिक के सुधार नहीं होगा। तो इस रोड का जनहित में और अगले समय को ध्यान में रखते हुए बनाया जाए जिससे पैसा की बर्बादी ना हो। धन्यवाद। डॉक्टर रमेश चंद बिंती। श्री एस मुनस्वामी जी। श्री विद्युत भरण महतो जी। श्री सुधाकर तुकाराम शरंगे जी। लातूर स्टेशन पर पिट लाइन बनाने की मांग बहुत पुरानी है, पर मैं जब भी लातूर स्टेशन से नई रेल आरंभ किए जाने का अथवा यात्री सुविधाओं के बारे में मैं कोई मांग उठाता हूँ तो मुझे यही जवाब दिया जाता है कि स्टेशन पर आवश्यक सर्विस लाइन प्लीज बी सीटेड, ये संभव नहीं है। इस कारण इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर कोई नई रेल शुरू नहीं की गई है। लातूर स्टेशन पर यात्री और बाल आवागमन विगत कई सालों से काफी बढ़ गया है। रेल कोच फैक्ट्री के शुरू होने के जाने से यात्री सुविधाओं के तत्काल विस्तार किया जाने की आवश्यकता है महसूस किया जा सकता है। पीट लाइन के बन जाने से केवल यात्रियों की मांग और आवश्यकता के अनुरूप यहाँ से नई रेल शुरू करने की सुविधा हो पाएगी। अपनी मराठवाड़ा के लोगों को देश के विभिन्न स्थानों से जोड़ना संभव हो जाएगा। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि लातूर स्टेशन पर पीट लाइन के निर्माण हेतु आवश्यक धनराशि का प्रदान कर इसका निर्माण कार्य शीघ्र अतिशीघ्र पूरा किया जाएगा। बड़ा जनता की मांग है लातूर स्टेशन से नई रेल शुरू करना तथा अन्य यात्री की सुविधाओं का विस्तार किया जाना संभव हो सके। धन्यवाद। श्री भागीरथ चौधरी जी। सभापति महोदय, आपने मुझे 377 के अंतर्गत अविलंब महत्व के विषय पर बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे अजमेर संसदीय क्षेत्र राजस्थान में स्थित किशनगढ़ हवाई अड्डे से वर्तमान में दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद, इंदौर, सूरत एवं मुंबई की नियमित हवाई सेवाएं चल रही है, लेकिन देश के अन्य प्रमुख शहरों के लिए नियमित उड़ानें प्रारंभ नहीं होने से एयरपोर्ट का अधिकाधिक एवं समग्र उपयोग नहीं हो पा रहा है। वर्तमान में किशनगढ़ एयरपोर्ट पर इसकी क्षमता अनुसार 70-80 यात्री भार वाले एयर वाहनों का आवागमन हो पा रहा है, जबकि उक्त एयरपोर्ट को जयपुर एयरपोर्ट के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। इसी के चलते एयरपोर्ट के रनवे एवं टर्मिनल विस्तार की कवायद विभागीय स्तर पर प्रक्रियाधीन है, लेकिन रनवे विस्तार कार्य में ग्राम टुकड़ा की दो पहाड़ियों की चोटियों की कटाई एवं ग्राम गगवाना में स्थित प्रसार भारती के आकाशवाणी टावर की ऊंचाई कम करने अथवा अन्यत्र स्थानांतर किया जाना सबसे बड़ी बाधा है। हालांकि उक्त दोनों ही अड़चनों को दूर करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी एवं राज्य सरकार के द्वारा भौगोलिक सर्वेक्षण के साथ साथ दो बार प्रशासनिक स्तर पर सर्वे भी कराया जा चुका है और वर्तमान में उक्त दोनों पहाड़ियों की कटाई के लिए वन विभाग की NOC एवं आकाशवाणी
के टावर के स्थानांतरण की पत्रावली विभागीय स्तर पर स्वीकृत हेतु विचाराधीन है। अतः सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री महोदय से करबद्ध अनुरोध करता हूं कि व्यापक जनहित को दृष्टिगत रखते हुए किशनगढ़ अजमेर एयरपोर्ट के विस्तार में आ रही उक्त दोनों बाधाओं को दूर कराकर केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा यथाशीघ्र सकारात्मक विभागीय कार्रवाई कराई जाए। जो इस परियोजना पर हुआ करोड़ों रुपए का निवेश बहुत उपयोगी साबित हो। धन्यवाद। थैंक यू। श्री उन्मेश बी पाटिल जी। श्री अजय निषद जी। धन्यवाद सभापति महोदय। हमारे संसदीय क्षेत्र मुजफ्फरपुर से बरौनी तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 जो फोरलेन में तब्दील करने की आवश्यकता है। महोदय, ये सड़क माननीय गृह मंत्री नित्यानंद राय जी और माननीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री गिरिराज सिंह के संसदीय क्षेत्रों से होकर गुजरता है। इस राजमार्ग के फोरलेन में तब्दील होने से उत्तर बिहार के लोगों को समग्र विकास को गति मिलेगी। उक्त राजमार्ग को फोरलेन में तब्दील करने से चिरप्रचलित मांग जो माननीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी से व्यक्तिगत तौर से भी अवगत है। माननीय मंत्री जी ने स्वयं मुजफ्फरपुर की एक सभा में मेरी मांग को मंच पर से हजारों लोग की उपस्थिति में इसको फोरलेन में तब्दील करने की घोषणा भी की थी, लेकिन लंबे इंतजार के बाद इस सड़क में उठाए गए सकारात्मक कदम के चर्चा के अलावा भौतिक रूप से अभी तक कुछ काम होता नहीं दिख रहा है। ऐसे समय में जब माननीय मंत्री जी श्री नितिन गडकरी के नेतृत्व में हम सड़क के क्षेत्र में 20 कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं जिस पर पूरे देश को नाज हो रहा है, ऐसे में जमीन पर कोई कार्रवाई दिखाई नहीं दे रहा है जिससे आमजनों को आक्रोश है। मैं आपके माध्यम से माननीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री जी से मांग करना चाहूँगा कि जनहित में यथाशीघ्र राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 को कार्यक्रम की प्रक्रिया को मूर्त रूप दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती रमा देवी जी। समय पर पहुंच गए। माननीय सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान लोहार समाज की समस्या की ओर आकृष्ट कराना चाहती हूँ। महोदय, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत सन 1950 ईस्वी में रोमन लिपि में लोहरा जाति को अनुसूचित जाति के रूप में अनुसूचित जाति किया गया है। जिस तरह से केरल में केरला, कर्नाटक में कर्नाटका, योग को योगा इत्यादि लिखा जाता है, इसी तर्ज पर लोहार को संविधान में लोहरा लिखा गया। लेकिन सन 1906 में संविधान संशोधन अधिनियम 48/2006 के द्वारा लोहरा का हिंदी रूपांतर लोहरा कर दिया गया, जिसके कारण लोहार समाज को मिलने वाला अनुसूचित जनजाति का अधिकार छिन गया। क्योंकि बिहार में लोहरा और लोहार नाम का कोई जाति निवासी नहीं करती है, ऐसी परिस्थिति में लोहार समाज के लोग अपने मूल अधिकार से वंचित हो रहे हैं। बिहार में लोहरा जाति नहीं पाई जाती और न ही लोहरा के निवास, जनसंख्या एवं भूमि संबंधित दस्तावेज ही बिहार सरकार के पास उपलब्ध है। अतः सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध होगा कि संविधान संशोधन अधिनियम 48/2006 को रद्द करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाए जिससे लोहार जाति को पूर्व की भांति अनुसूचित जाति के रूप में खोया हुआ अधिकार उसको मिल सके। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती रीति पाठक जी। गुंडा टैक्स बंद करो। श्री विष्णु दयाल राम जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपका ध्यान एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं कि पलामू संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत गढ़वा जिला के भवनाथपुर के सेल के
1180 हेक्टेयर भूमि पर केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम NICDC के तहत अमृतसर कलकत्ता इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट का झारखंड राज्य में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। उक्त संबंध में NICDC के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी एवं प्रबंध निदेशक भारत सरकार श्री अमृतलाल मीणा ने झारखंड सरकार एवं उपायुक्त डिप्टी कमिश्नर गढ़वा को पत्र लिखकर उक्त भूमि पर 6 बिंदुओं पर प्रतिवेदन की मांग की थी। उक्त स्थान पर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना से झारखंड राज्य के बुनियादी ढांचे में परिवर्तन संभावित है एवं राज्य का संतुलित विकास में भी बहुत बड़ा योगदान होगा एवं उद्योग के साथ साथ बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा, जिससे गढ़वा जिला जो आकांक्षी जिलों की सूची में आता है आकांक्षी जिलों की सूची से निकल सकेगा एवं अन्य विकसित जिलों की सूची में आ खड़ा होगा। अतः आपके माध्यम से केंद्र सरकार से मैं मांग करता हूं कि झारखंड सरकार से बातचीत कर उक्त स्थान पर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सेंटर की स्थापना हेतु अग्रतर कार्रवाई कराने की कृपा करें। धन्यवाद। श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी। सभापति महोदय, पहले तो मैं आपको धन्यवाद करता हूं क्योंकि आपने 377 पर बोलने का मौका दिया है। सभापति महोदय, बिहार राज्य अंतर्गत सारण प्रमंडल के जिला सारण एवं जिला सिवान में परिसीमित मेरा लोकसभा क्षेत्र महाराजगंज, इसी प्रमंडल में भारत के प्रथम राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, देश को दूसरी आजादी दिलाने वाले लोकतंत्र के रक्षक भारत रत्न जयप्रकाश नारायण जी एवं महान शिक्षाविद मौलाना मजहर हक साहब की जन्मस्थली एवं कर्मस्थली रहा है। ऐसे महान विभूतियों की जन्मस्थली एवं कर्मस्थली तथा मेरे लोकसभा क्षेत्र की जनता को शिक्षा के क्षेत्र में अधिक से अधिक आधुनिक अवसर उपलब्ध कराने की अति आवश्यकता है। सभापति महोदय, बिहार तो ऐसे ही अति पिछड़ा राज्य है, उसमें भी मेरा लोकसभा क्षेत्र हर क्षेत्र में बहुत ही पिछड़ा है, विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में। आज हमारी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में आमूल चूल एवं क्रांतिकारी परिवर्तन के साथ शिक्षा पद्धति को आगे बढ़ा रही है। इसी क्रम में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा 2024 तक देश के सभी प्रखंडों में पीएम श्री स्कूल के नाम से आदर्श स्कूलों का उन्नयन करने का निर्णय लिया गया है। यह बहुत ही लाभकारी एवं जनहितकारी योजना है, इसलिए मैं भी चाहता हूं कि इस योजना के तहत मेरे लोकसभा क्षेत्र के सभी प्रखंडों जैसे पन्नापुर, तरैया, मसरक, बनियापुर, लहलादपुर, एकमा, मांझी, जलालपुर, भगवानपुर हाट, महाराजगंज, बसंतपुर, लकड़ी नवीगंज एवं गोरिया कोठी के एक एक विद्यालय को चयनित कर उक्त योजना के तहत अपग्रेड किया जाए। सभापति महोदय, अतः मैं अध्यक्ष महोदय के माध्यम से भारत सरकार के शिक्षा मंत्री से मेरा अनुरोध है कि मेरे लोकसभा क्षेत्र के सभी प्रखंडों में पीएम श्री स्कूल उन्नयन हेतु आवश्यक कदम उठाया जाए, जिससे कि मेरे क्षेत्र की जनता के बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाने में सरकार का सराहनीय सहयोग मिल सके। सभापति महोदय, श्रीमती रामा देवी जी ने जो बात उठाई है, मैं उसका भी समर्थन करता हूं, यह बात होना चाहिए। धन्यवाद। श्री चुनीलाल साहू जी। सभापति महोदय, आपने मुझे 377 में बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। देश की कृषि ज्यादातर मौसम पर निर्भर करती है, अनेकों बार किसानों की फसल अल्प वर्षा और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण नष्ट हो जाती है और किसान कृषि कार्य करने में निराश हो जाते हैं। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए हमारे आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वर्ष 2016 में लागू कर किसानों को राहत देने का
कार्य किया गया, लेकिन इसमें भी राज्य सरकार द्वारा चिन्हित ग्रामों में किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा राशि को समय में नहीं देना कृषि कार्य को कमजोर करना है, किसानों के लिए एक अभिशाप ही है। महोदय जी, छत्तीसगढ़ में मेरे लोकसभा महासमुंद क्षेत्र अंतर्गत कृषकों को पिछली फसल के समय जिन ग्रामों में अल्प वर्षा के कारण फसल नष्ट हुई है, अब तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि नहीं मिलने के कारण किसान काफी आक्रोशित है, जिन्हें वर्तमान में कृषि के लिए बीज, खाद एवं कीटनाशक दवाइयां खरीदने की अति आवश्यकता है। वर्तमान में आर्थिक रूप से कमजोर किसान कृषि कार्य से पिछड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के अधिकारियों की कथित लापरवाही के कारण किसान आज योजना से वंचित होकर खुद ठगा सा महसूस कर रहा है। अतः सरकार से निवेदन है कि उक्त विषय को गंभीरता से लेते हुए राज्य छत्तीसगढ़ के किसानों को मिलने वाली प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि अति शीघ्र प्रदाय कराने हेतु निर्देशित करें, ताकि किसानों को अपने कृषि कार्य करने में उक्त योजना का लाभ समय पर मिल सके। धन्यवाद सभापति महोदय। श्री सुदर्शन भगत जी। सभापति महोदय, जैसा कि आपको विदित है, मेरे संसदीय क्षेत्र लोहरदगा जनजाति भोल ग्रामीण आबादी वाला क्षेत्र है, आर्थिक रूप से पिछड़ा है। यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिए प्रयास जारी है। आदरणीय महोदय, मैं आपका ध्यान यहाँ के युवाओं की खेल प्रतिभा की ओर आकर्षित करना चाहूँगा। मेरे संसदीय क्षेत्र अंतर्गत गुमला एवं लोहरदगा जिलों के खिलाड़ी खेलों के क्षेत्र में देश का मान बढ़ा चुके हैं। आज भी अनेक राष्ट्रीय टीमों में यहाँ के युवक युवतियाँ खेल रहे हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र में फुटबॉल, हॉकी, एथलेटिक्स आदि खेलों का परंपरागत रूप से प्रचलन है। विशेषकर बेटियों की बात करूं तो उन्होंने अनेकों कीर्तिमान स्थापित किए हैं। खेल की अपार प्रतिभाओं से संपन्न यहाँ के युवा आधुनिक खेल परिसरों के अभाव में अभ्यास करते हैं। उन्हें यदि उचित वातावरण और अत्याधुनिक खेल परिसर एवं प्रशिक्षण मिल जाए तो हमारे क्षेत्र के खिलाड़ी विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा, ओलंपिक सहित अन्य खेलों में देश का मान बढ़ा सकेंगे। आदरणीय महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र के लोहरदगा जिले में केंद्र सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाया जाए। मेरा निवेदन है कि लोहरदगा जिले में स्टेडियम के निर्माण कर देश के जनजाति बहुल ग्रामीण अंचल के खिलाड़ियों का उत्साह या मनोबल को बढ़ाने एवं यहाँ के प्रतिभान खिलाड़ियों के अवसरों का सृजन करने में केंद्र सरकार अपनी निर्णायक भूमिका निभाए। मुझे विश्वास है देश के युवाओं के प्रेरक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही हमारी सरकार लोहरदगा में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का निर्माण कर देश के समस्त जनजातीय अंचलों को उपहार देकर अनुग्रहित करेगी। इससे अनेकों अभाव में अपना कठोर परिश्रम निरंतर अभ्यास कर प्रतिभावान खिलाड़ियों को बेहतर अवसर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री विद्युत बरन महतो जी। धन्यवाद। धन्यवाद सभापति महोदय, आपका ध्यान अति महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि आज आयुष्मान भारत योजना देश के करोड़ों गरीब वंचित बीमारियों से पीड़ित बीमारियों को योजना का लाभ मिला है। ये देश की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय भाई श्री नरेंद्र मोदी जी का दूरगामी सोच और गरीब के प्रति समर्पण एवं प्रतिबद्धता करता है। महोदय, जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत कोई ऐसे अस्पताल है जिसका करोड़ों रुपया भुगतान नहीं होने के कारण इन अस्पतालों में गरीब इलाज बंद हो गया। ऐसे अस्पताल का निम्नलिखित है, मेरिक्सो अप्रयोग ब्रह्मानंद हॉस्पिटल सरायकेला, मेडिटिना हॉस्पिटल सरायकेला, गंगा मेमोरियल जमशेदपुर, दया हॉस्पिटल जमशेदपुर, अपूर्वा ईशान जमशेदपुर, साकेत हॉस्पिटल जमशेदपुर, डॉक्टर अभिषेक चाइल्ड जमशेदपुर, मेहरबाई टाटा जमशेदपुर, डॉक्टर डी मिश्रा यूरोलॉजिस्ट जमशेदपुर। अतः महोदय, आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से भारत सरकार से अनुरोध करता हूँ
की उपरोक्त अस्पताल का आयुष्मान योजना के तहत बकाया राशि भुगतान करने की कृपा की जाए तथा इन अस्पतालों को विभिन्न बीमारियों का पीड़ित गरीबों का परिवार को समुचित इलाज हो सके। धन्यवाद। मेंबर्स प्लीज प्लीज टेक योर सीट प्लीज सी द हाउस कांट रन लाइक दिस प्लीज टेक योर सीट योर मेंबर्स आल्सो हैव प्लीज टेक योर सीट rest of the members may lay their matters on the table of the house the house stands adjourned to meet again at 4 p.m. To be laid on the table. Srimati Nirmala Sitharaman. Not there. COVID. Sabhapati Mahoday, main apne varishth sahyogi Srimati Nirmala Sitharaman ki or se main Pankaj Chaudhary ji. Khade ho gaye apne. Sabhapati Mahoday, main apne varishth sahyogi Srimati Nirmala Sitharaman ki or se main adhisuchana sankhya 17/2022 Kendriya Utpadan Shulk adhisuchana sankhya 18/2022 केंद्रीय उत्पादन शुल्क अधिसूचना संख्या 19/2022 केंद्रीय उत्पादन शुल्क और अधिसूचना से 20/2022 केंद्रीय उत्पाद शुल्क पटल पर प्रस्तुत करता हूं। श्री नित्यानंद राय नहीं पेपर पेपर्स पेपर्स टू बी करके जी यू नो दिस व्हाट इज द ट्रेडिशन पेपर्स टू बी रीड श्री नित्यानंद राय महोदय मैं आज की संशोधित कार्यावली में क्रमांक संख्या 1 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लेखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूं। प्रतिमा भौमिक सभापति महोदय मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रमांक संख्या 2 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लेखित दस्तावेज सदन के पटल पर रखती हूं। बैठ जाइए प्लीज Karupi is capable of saying what he want to say. I know. Please sit down. Give respect to LOP, if at all. Then I am going to permit. This is not the way. Reports of the Public Accounts Committee. Sri Bhuvanesh Karita. Honourable Chairman, sir, with your kind permission, please. Rise to lay the following reports, Hindi and English versions, of the Public Accounts Committee 2022-23. Number one, for, 51st report on assessment of SSC in entertainment sector, DT, and 52nd report on construction and utilization of limited height subway, LHS. Thank you, sir. Honourable members, you are aware, on the opening day of 250th session, 18th July, I had announced the reconstitution of panel of vice chairman with the following members, Sri Bhuvanesh Karita, Sindhu Bala Goswami, Dr. L. Hanumantayya, Sri Tiruchi Siva, Sri V. Vijay Sai Reddy, Dr. Sasmet Patra. And I have also decided to nominate two more members, namely Sri Sukhen Sekhar Roy and Srimati Vandana Chavan to this panel. These 8 members will be in the panel for the current session because the chairman has to nominate this. I am the chairman for till the current session. The new chairman comes and he will is at liberty to continue or change. That's why that word has been added. Now, coming to the other thing, LOP is saying something. LOP is done. LOP, sir. After LOP, sir. No, first of all, I have to go through the LOP after that. Sir, issue. Rule 267 ke tahat, maine badhti hui mahangai par और जो ज़रूरी चीज़ें हैं खासकर आम आदमी को उसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है और इस महंगाई की मार सिर्फ महिलाओं को ही नहीं बच्चों से लेकर बूढ़े तक और 140 करोड़ जनता को इसका इफेक्ट हो रहा है ठीक है
पेंसिल से लेकर वी आर नॉट टेकिंग द सब्जेक्ट यू आर मेंशनिंग द सब्जेक्ट नो इफ इट नहीं डिस्कशन यू आर आस्किंग सर देखिए एक मिनट प्लीज रेस्पेक्ट द एलओपी रेस्पेक्ट द आई हैव परमिटेड हिम टू मेंशन द इश्यू एंड यू पीपल आर ऑब्स्ट्रक्टिंग इट वन मिनट सर वन मिनट बट जिस कारण आम आदमी की हालत बदतर हो गई है कई आवश्यक वस्तुओं को खासतौर पर खाने पीने के सामान एलपीजी पेट्रोल डीजल की भारी महंगाई के बाद प्री पैक्ड अनाज गेहूं चावल दही लस्सी छाछ पनीर शहद गुड़ा ऑनरेबल मेंबर्स एलओपी लेट मी हियर माय डिसीजन आई एम अलाउइंग डिस्कशन यू वांट टू डोंट वांट इट आई कैन प्लीज यू कैनॉट डिक्टेट टू मी The business advisory committee, in the business advisory committee, it was suggested we must have discussion. I have agreed for discussion on price rise. And you people don't want adjourning the house to 2 p.m. माननीय सभापति जी नमस्कार Please take your respective seats. First, there is oath also. Please. Oath or affirmation. Secretary General. Nominated. Shrimati Pilavula Kandi Thekke Parambil Usha. मैं पिलाकंडी तेक्केपरंबिल उषा जो राज्यसभा की सदस्य नाम निर्देशित हुई हूँ ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा साबित भारत का संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूँगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगे मालूम है ना सबको क्या नमस्कार अभिनंदन पेपर्स टू बी लेड ऑन द टेबल श्रीमती निर्मला सीतारामन